महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहर टाइम। मुंब्रा के नशेमन कॉलोनी के पास पलक ज्वेलर्स की दुकान है और इस दुकान के जो मालिक हैं भवर लाल जैन, जिनकी उम्र 56 साल बताई जा रही है, आज इनकी डेड बॉडी जो है शॉप के अंदर से बरामद की गई है और ये पूरा मामला जो है सुसाइड का बताया जा रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भवर लाल जैन जो है ये आर्थिक रूप से परेशान थे। 3 से 4 दिन पहले ही भंवरलाल के परिजनों ने इनकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, मगर आज सुबह के वक्त भंवरलाल का बेटा दुकान के पास आया तो देखा कि शटर में ताला नहीं लगा हुआ था, मगर जो बाहर लोहे की चैनल लगा हुआ है उसमें ताला लगा हुआ था। किसी तरह से हाथ डालकर भंवरलाल के बेटे ने थोड़ा सा जब शटर उठाया तो अंदर से काफ़ी बदबू आ रही थी, जिसके बाद इसकी जानकारी मुंब्रा पुलिस को दी गई। मौके पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अशोक कडलक अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और जो चैनल था इसमें ताला लगा हुआ था उस ताले को कटवाया गया, जिसके बाद पुलिस अंदर जाकर जब देखी तो भंवरलाल की मौत हो चुकी थी। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार फंदे से शव लटकता हुआ मिला है और इनकी मौत हुए काफ़ी समय हो चुका था, जिसकी वजह से डेड बॉडी से काफ़ी बदबू भी आ रही थी। मुंब्रा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भंवरलाल ने आत्महत्या क्यों की और क्या वजह थी ये CCTV फुटेज वगैरह की पुलिस जांच कर रही है कि क्या आखिर वाकई में आर्थिक परेशानियों की वजह से भंवरलाल ने ये कदम उठाया, भंवरलाल के साथ या और भी कुछ अनहोनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और आगे तहकीकात में ही सच सामने आएगा।